गया टायर टूट गया। हाँ लेपर्ड देखा, लेपर्ड यहीं पे देखा। और ये अगर व्लॉग नहीं आया तो समझ जाना। नींद आ रही थी, सारी आंखें नींद वींद भाग गए। ओए लेपर्ड की ये रही नेट। गुड मॉर्निंग, जैसे कि आपको पता है कि हमारे को बैटरी कार नहीं मिल पाई अर्ध क्वेरी से भवन तक की, थोड़ा सा हमारे घर का माहौल असमंजस में और कंट्रोवर्सी होने लग गई। ज़्यादा तो बताएंगे नहीं आपको, लास्ट में कंट्रोवर्सी सॉल्व भी हो गई। पैदल ही रास्ता तय करने का सोचा जो हम बैटरी कार से तय करने वाले थे, तो अब माता रानी ने कहा है चलिए वत्स उठिए, अपने पैरों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैंने बुलाया है आपको आना है। सॉरी मेरी सिंगिंग स्किल्स अच्छी तो नहीं है पता है मेरे को, लेकिन 1% फील दिलाने के लिए थोड़ा सा गा लिए। हमें ये समझ में आया कि माता रानी हमारे को सफ़र से प्यार कराना चाहती है। लक्ष्य तक पहुंचने तक का सफ़र कैसा रहता है, उसको एंजॉय करते या नहीं, और वो सफ़र में हम अपनी हार तो नहीं मान लेते, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माता रानी हमारे को यही समझाना चाहती है, तभी वो हमारे को पैदल पूरे 12 किलोमीटर कटरा से लेकर के भवन तक बुलाती है अपने पास। 4 घंटे वेट करा बैटरी कार का और अब हम जा रहे हैं फिर से पैदल 6 किलोमीटर। अब देखते हैं पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। रेस्ट वगैरह मिल गया प्रॉपर? मंकी सो रहे हैं ऐसे। मम्मा मम्मा आज मैं सोऊंगी आपके पास। हाँ आज भैया ना पापा के संग सोएंगे। मम्मा मम्मा मैं सोऊंगी, आज मेरी बारी है। वाह वाह वाह। बेटों से कहते हैं ममता। अब हम पहुंच चुके हैं भवन पे। हमारे को मिल जाता है लॉकर जिधर हम अपने गैजेट्स और जो भी वस्तु होते हैं वो आराम से रख सकते हैं। उसके बाद हम जूते भी रख देते हैं और नंगे पैर निकल जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और आपको पता ही है कि जो मांगा जाए यहाँ पर वो ज़रूर पूरा होता है, तो सब अपनी विश मांग लेते हैं। उसके बाद हम भवन से निकलते हुए वापस अपने सारे सामान लेते हुए थोड़ा सा रेस्ट करते हुए, यारू दीदी आपका जोश मेरे को मोटिवेट कर रहे थे, पैर सोर हो गए, फिर से 12 किलोमीटर वापस कटरा के लिए निकल जाते हैं रात को ही। रात को निकलना बिल्कुल सेफ है क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग निकलते हैं रात को, काफ़ी लोग वहाँ भवन में भी रुक सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे की ट्रेन थी तो हमारे को निकलना ज़रूरी था। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी सर सर एक ऑटोग्राफ। नीचे जाने पे ज़्यादा कम्फर्टेबल फील हो रहा है। एकदम आराम से जा पा रहे हैं, बस मुझको ऐसे जाने दो और घर जा रहे। मम्मी और मामी ये बताओ एक बार नीचे पहुंचने के बाद वापस ऊपर कौन चलेगा मेरे साथ, ऐसी है एनर्जी, कंफर्टेबल है बता। क्या हो गया? अरे इधर की बात। अरू के साथ बताऊं क्या हुआ, ये जो ट्रॉली में बैठी टायर टूट गया, एक गया टायर टूट गया। हाँ 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 गया राघव टायर तोड़ दिया उन्होंने। अरे राघव ने भगवान से मांगा था कि मेरे को जल्दी से पहुंच जाऊं मैं अपनी डेस्टिनेशन, और भगवान ने उसको किया तथा हमने क्या मांगा, बुद्धि समृद्धि लक्ष्मी एंड ऑल, उसने मांगा इजी ट्रिप और वो मिल गई उसे इजी ट्रिप। भगवान ने बोला बहुत वेटिंग लगे, चलो इसकी क्लियर कर देते हैं, इसकी आसान है, पिट्ठू दिलाओ टैप 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 500 रुपए। अब जाके थोड़ा कमर को आराम मिला है, लौटते वक्त भी हालत खराब हो रही है, कोई नहीं सह लेंगे, थोड़ा रेस्ट करके चलते हैं। ऐसे रख लिया ना पैर को अपना पूरा सीधा, 6 किलोमीटर मोर टू गो। और ये जो भैया थे हमारे राघव को ले जा रहे थे, वो हमने जैसे ही रेस्ट लिया मेरे कंधे पे सोने लग गए, तो हमने भी सहारा दे दिया। 4:43 हो गए और अब सूरज आने वाला है हमारे एक रूट से, जहाँ कोई दूसरा बंदा और जहाँ कोई दूसरा बंदा नहीं है। एक सवारी हमें मिली, उन्होंने ये बताया अभी उन्होंने लेपर्ड देखा, पूरी गेम बच चुका है गंदा वाला, लेपर्ड यहीं पे देखा कह रहे। और ये अगर ब्लॉग नहीं आया तो समझ जाना, लेपर्ड वैसे भी कैमोफ्लेज रहता है। हाँ छुप छुप के बैठा होगा लेपर्ड, कहाँ है, आंखें पूरी खुल गई भाई साहब, नींद आ रही थी सारी आंखें नींद वींद भाग गए। ओए लेपर्ड की ये नहीं नेट, इसी जगह होती है, इसी जगह लाइट नहीं दिखा, लाइट क्यों खोल रहे हो, तो खोलनी होगी, इसे डरते हैं लाइट, वो आग से डरते हैं मामी। हाँ पे आग ही है हमारी, आग है छोटी सी, पूरा रास्ता खाली है।
अब हमें ये भी समझ में आ गया कि काफी सारे लोग मैं देख रहा था मुंह आते वक्त अजीब से बन रखे थे, वो वापसी लौट रहे थे और हम जा रहे थे, हम तो काफी स्माइलिंग फेस से फुल एनर्जी के साथ जा रहे थे और उनका मुंह एकदम लटका हुआ सा था एकदम। हम कुछ पूछ रहे कि कितना दूर रह गया है तो जवाब भी काफी मरी आवाज में दे रहे थे, कुछ लोग तो जवाब भी नहीं दे रहे थे। हमारी हालत भी कुछ ऐसी हो गई है क्योंकि थक जाते हैं। 12 किलोमीटर से अपहिल चले ऊपर की तरफ, चांद तो लगती है, फिर 12 किलोमीटर नीचे आ रही है और हमने नया वाला रूट ले लिया है, वो थोड़ा सा और लंबा है। इस रास्ते पे तो कोई है भी नहीं हमारे अलावा, ऐसा ही लग रहा है। काफी आगे पहुंचे फिर जाके पता चला कि हाँ कुछ लोग तो ऐसे ही सो रहे थे बेंचेस के ऊपर, लेपर्ड की बातें चल रही है। सोच रहा था कि मैं बता दूं, फिर मेरे को ये भी लग रहा था कि फालतू में कोई सो रहा है तो चैन की नींद सोने देते है, तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था। फिर मैंने नहीं बताया क्योंकि हमने तो लेपर्ड देखा नहीं, बस सुना ही है कि लेपर्ड है। हम वैसे एक रेस्टोरेंट में भी रुके थे, मैंने कम ही रिकॉर्ड करा। उस रेस्टोरेंट में क्या हुआ, हम खाने के लिए बैठ गए क्योंकि अब हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो भूख तो लगी रही थी और एनर्जी चाहिए होती है हमारे को चलने के लिए। और फिर महसूस हुआ कि खा लेते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट जस्ट खुला ही था। जैसे ही हम घुसे उसके अंदर, हमने ऑर्डर करा सैंडविचेस और फिर मैंने बस अपने मुंह के अंदर एक बाइट दे भी दी थी मैंने और राघव ने। अरू ने क्या बताया कि इस रेस्टोरेंट के अंदर चींटियां है, खाने के अंदर हमारे सैंडविच के अंदर चींटियां है। फिर हमने कहा अफसोस, मुंह तक खाना आया लेकिन खाना नहीं खा पाए। ऐसा ही लगा और फिर छोड़ना ही पड़ा खाना, रिफंड लेना पड़ा और फिर आगे बढ़ना पड़ा। वहां पे हाइजीन, एच फॉर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया तो चींटियां खा लेते, क्या होता है नॉन वेजिटेरियन बन जाते। चलो फिर आगे बढ़ते गए एंड की तरफ। जब हम बस अपने लक्ष्य 500-600 मीटर दूर थे तब हमारे को दिखाई दिया गुरुद्वारा। और फिर गुरुद्वारे में मैंने खाना खाया, थोड़ा सा मम्मी ने खाया, बाकियों ने खाना नहीं खाया। वहां पे थोड़ा सा नाश्ता करके हम और आगे बढ़ गए। थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो गया। मम्मी पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। मम्मी के पैर देख कैसे हो गए, दिखने के पैर क्या हालत हो गई। और बाइसेप्स भी बन गए। बस अब क्या करेंगे, होटल में जा करके गुडू नाइट कर देंगे। गुडू नाइट राघव इंटरव्यू वगैरह नहीं, चलते रहो।